जी आप अगर इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो वेस्ट बंगाल में रह करके, जहाँ पर जो ROI है मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ा है, देन आज एक ऐसे कॉलेज का डिटेल रिव्यू कवर कर रहे होंगे। ये जो रिव्यू है मैं खुद कॉलेज में जाकर के कंप्लीट फीडबैक लिया हूँ, वहाँ के जो भी फैकल्टी है, स्टूडेंट है, जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हो गए। रिसेंटली इस साल एक नया ब्रांच आया है AIDS, तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हो। वैसे कुछ भी डाउट रखा जाता है इस वीडियो को देखने के बाद भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक फॉर्म भी है, आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो, आपको अप्रोच कर लिया जाएगा। जी आज कवर करेंगे काफ़ी ब्रीफ में जो SBIST कॉलेज है, वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉलेज चूज़ करने से पहले क्यों चूज़ करना चाहिए। तो मेनली ये तीन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंडली जो कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, एंड थर्डली जो प्लेसमेंट है, तो ये सारे चीज़ों को कवर करते हुए कंप्लीट कॉलेज का डिटेल रिव्यू कर रहे होंगे। जी बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए जो टोटल फीस है कॉलेज का वो रीजनेबल है, मीन्स जो ROI है, ROI ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सही है। तो कॉलेज का जो टोटल फीस है आपका 4.9 लाख है। अब देखिए जो एडमिशन के टाइम जो फी पे कर रहे होंगे वो आपका टोटल लाइक 1,05,000 है, बाकी जो सेमेस्टर वाइज है आप मान के चलिए जो एवरेज है 55,000 है, तो टोटल कुल मिलाकर के आपका 4.9 लाख है। एंड देखो यहाँ पे एक नया ब्रांच आया है AIDS, तो AIDS हो गया, जो बाकी जो कोर डिपार्टमेंट हो गया सबके फीस स्ट्रक्चर एक ही है। अब देखिए आप ये कॉलेज चूज कर रहे हो ना, तो आपका बाकी सब जो फैसिलिटी है लाइक जो हॉस्टल हो गया मिल जाता है। अब यहाँ पर जो हॉस्टल है उसका जो चार्जेस है ना, लाइक मान के चलिए 5,000 पर मंथ लगता है लिविंग फूडिंग दोनों ले करके। एंड सपोज आपको हॉस्टल पसंद नहीं आ रहा है, इनकेस वैसे पसंद आ ही जाएगा, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप PG में ले सकते हो, बट PG जो चार्ज है थोड़ा ज़्यादा लाइक 1K ज़्यादा लेगा, तो 6,000 है। अब जब देखो हाल ही में लाइक अप्रैल का महीना में एक फेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर एक दो तरह का फेस्ट होता है, ठीक है। आपका कल्चरल फेस्ट होता है एंथुजिया, ओके, एंड एक टेक्निकल फेस्ट होता है इनोवेशन। आप देखिए यहाँ पर एक रिसेंटली फुटबॉल कॉम्पिटिशन भी हुआ था, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, बेसिकली इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर रिसेंटली जो कॉम्पिटिटर था बजबज कॉलेज था, तो वहाँ से कप मिला हुआ था। तो ये ओवरऑल कॉलेज में काफ़ी से एक्टिविटीज होता है, लाइक योगा होता है, कैराटे होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। वैसे देखिए कैंपस में वो सब कुछ मिल जाता है जनरली, ठीक है, लाइक जो दरकार होता है कोई भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, एंड यहाँ पर जिम भी आपको मिल जाता है, एंड लाइक हॉस्टल का फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, आपको नियर बाई हॉस्टल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आना कैसे, तो देखिए आने के लिए बेस्ट आपका तरीका है कि सियालदह से आप ट्रेन पकड़िए, ठीक है, एंड यहाँ पर एक नियर बाई रेलवे स्टेशन जो कि है बारुईपुर, एंड वहाँ से आपको 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, तो इतना भी मतलब दिक्कत नहीं होगा कर पाने में, आप इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए टोटल 3 ग्रुप्स है वेस्ट बंगाल जितने भी कॉलेजेस है, आपका एक टेक्नो इंडिया ग्रुप हो गया, आपका GIS ग्रुप हो गया, इनका स्वामी विवेकानंद ग्रुप हो गया, तो ये आप चूज कर सकते हो जो बाकी जो ग्रुप के कॉम्पिटिशन में। ऑब्वियसली बात है, आप कोई प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो, आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, आपको प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, प्लेसमेंट कैसा हाल है। तो यहाँ के जो लाइक प्लेसमेंट हेड थे, ठीक है, उनसे बातचीत हुई एंड कुछ ऐसा उनका फीडबैक रहा। सो हियर एट स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर एम्फसाइजिंग ऑन डेवलपिंग यू टू क्रैक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। एज फार एज दिस कॉलेज इज कंसर्न, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वी आर हैविंग द हाइएस्ट प्लेसमेंट पैकेज, इट इज अराउंड 8 लाख एंड एवरेज इट इज नियर अबाउट 5.5 लाख। एवरी यू नो एग्जामिनेशन ब्रेक, लाइक से फॉर एग्जाम्पल इट इज नाउ probably in the end of May, from in July we will be having our summer training carnival. Similarly, in the month of December we will be having our winter training carnival. So in the summer training carnival we are offering a buffet of different kind of training program, like you are going to a restaurant and having a lot of foods and choosing as per our choice. Similarly, we are offering a lot of training programs, starting from business analytics to prompt engineering to say for example cyber security to you know the just personality development, communication skill development, CV writing. Lots of program we will be offering. The students have to pick and choose that which they want to take. Yeah. Apart from that, they are mentors from the college. They are going to guide them that I think you should go for cyber security, I think you should go for business analytics, like that. So we are definitely going to guide them. Apart from that, they have a liberty to choose that which training program they want to complete from the campus during the winter or the summer break. Apart from that, every Saturday is a training day at our campus. So every Saturday, different kind of training program would be conducted. You have to just spend that extra few hours in the campus to learn new skills and develop yourself for the future. आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो स्टूडेंट की लिस्ट है, कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर के, इस साल के, वो बस कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दिया गया है। तो कॉलेज एक ठीक ठाक है, वही सर्विस बेस्ड कंपनी आता है,
मीन्स कॉलेज में जो ट्रेनिंग करवाया जाता है ना उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि सपोज अगर वो क्लियर हो गए, अगर इन केस ऑन कैंपस अच्छा क्रैक नहीं कर पाते हो, आपको ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है सूरत, आप वो सब कंपनी क्रैक कर पाओ। पर लाइक जिम हो गया, आपका टेनिस हो गया, आपका बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, तो हर एक जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको चाहिए कॉलेज लाइफ में, जो कि कॉलेज लाइफ को थोड़ा फन बना दे, तो एक्साइटेड बना दे, तो यहाँ पर मिलता है, आप इसको ले सकते हो। हैंड गिटार हो गया, पियानो हो गया, ड्रम हो गया ना, तो वो सब भी आपको मिलेंगी। तो सपोज़ चिल मारना है, ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय करना है, म्यूज़िक लगा करके साउंड सुनना है, ठीक है, तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं। सो अभी राइट नाउ हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण सर मौजूद हैं, जो कि सीएसई डिपार्टमेंट के एचओडी है। तो सर आपसे काफ़ी कॉमन सवाल है, लाइक जो भी स्टूडेंट सीएसई आईटी सीएसई स्पेशलाइज ब्रांच लेते हैं, मतलब सपोज ये कॉलेज ज्वाइन करता है कोई बच्चा, तो किस तरह से फ्लो होता है उनका, लाइक कैसे उनको हेल्प मिल देगी स्टूडेंट एक अच्छे आईटी कंपनी क्रैक कर सके। देखिए सिंपल सा बात है, एक बच्चा जब यहाँ एडमिशन ले लेता है उसके बाद डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं कि स्टूडेंट को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, करिकुलम जो है वो तो चलता ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, एज पर मार्कआउट चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, वीकेंड ट्रेनिंग। कब से होती है ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर चलता है। ओके, फर्स्ट ईयर से? एकदम फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है आपका। सैटरडे संडे जैसे 5 दिन नॉर्मल डे हुए, उसका सैटरडे संडे को भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट अपने आप को एट पार इंडस्ट्री हमेशा रख सके। माइसेल्फ डॉक्टर सोमनाथ दास, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक्चुअली इन आवर डिपार्टमेंट वी डेवलप वन लैब, नेम इज रोबोटिक्स लेबोरेटरी, एंड हियर आफ्टर सेकेंड year any department, that's been mechanical, electrical, civil, computer science or electronics, okay, any student can join with us this lab, and they can make hands on project regarding robotics. Okay, that's why so many kits we actually purchase in this laboratories. You see that this is tux, this is sensor, this is Arduino board, this is breadboard, hands on training, this is multimeter. Okay, and each and everything kits, what is actually necessary regarding this lab, that whole kit we actually purchase, and student actually utilize this all the instrument, and they actually develop the project and upcoming future, and in outer the institute they can participate some project, some hackathon program, etc., etc. And dekho is college ke jo laboratories hai, theek hai, aapko bhi branch ki baat kijiye, सीएसई हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो उनका जो लेबोरेटरीज़ है काफ़ी मतलब बेहतरीन है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इक्विपमेंट मिसिंग है, कोई इक्विपमेंट टूटा फटा है, तो आपको वेल क्लास्ड लेबोरेटरी मिलेगा यहाँ पर। लाइक हर एक लेबोरेटरी में कवर किया, मैं खुद जाकर देखा हो इसलिए बात कर रहा हूँ। एंड सपोज मतलब बात पर विश्वास नहीं भी हो रहा है, आप कॉलेज जाओ देखो कैसा क्या, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कैसा चीज़ मिल रहा है। सो स्टूडेंट देख सकते हैं इतना मैकेनिकल वर्कशॉप है, ठीक है, तो हमारे साथ एक सर मौजूद है, तो सर एक्सप्लेन कर रहे होंगे जो भी यहाँ पर लाइक मशीन है सर क्या काम है, एंड बच्चों कैसे ये हेल्प कर सकते। वी हैव डिफरेंट मशीन्स इन आवर वर्कशॉप, देयर आर लेथ मशीन, देन मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन एंड शेपर मशीन, एंड आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज लेथ, द नंबर ऑफ लेथ्स आर 6 नंबर ऑफ लेथ्स वी हैव। Then this is milling machine. This is milling machine. Number of milling machines are 2. Then this is drilling machine for drilling the different plate and other things. This is drilling machine. This is our carpentry shop for first year. This is our carpentry shop. This table is our carpentry shop. Carpentry tables, and this is carpentry pipes. And these 7 benches are for our fitting shop, for fitting job, that is the with iron plates. And this is for carpentry shop for the piece of wooden is to be wooden things. This pattern shop, by wood we make different pattern for rusting and molding and rusting. So this is thickness panel. We have to reduce the thickness for plain the wood type of machine. So this is circular saw for cutting the wood. Okay. So this is sander machine for planing. लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा, आपका अगर रैंक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है डब्ल्यू बी जी में, देन आप ऑब्वियसली बात है जो कोलकाता के जो कॉलेजेस है
आपका IIM, हेरिटेज, टेक्नो में, नेताजी, ये सब चूज़ कीजिए। बट सपोज़ आपको अगर कम बजट में, लाइक कई से स्टूडेंट हैं जो IIM एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हेरिटेज का फीस काफ़ी बढ़ चुका है, वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी कम में ही उनके एडमिशन चाहिए, देन आप ये देख सकते हो। लाइक हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो अगर आपको लाइक कम बजट में सब कुछ ओवरऑल एक पैकेज चाहिए, मैं बार बार रिपीट करूँ, पैकेज चाहिए, देन यही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। और मैं रिकमेंड करूँगा हर एक स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को, आप एक बार कॉलेज को आकर के विजिट कर लीजिए कि हाँ जी कॉलेज में कितना आपको दूरी लग रहा है, आपका वो जो लोकेशन है कैसा कंफर्टेबल है, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिए। एंड वहाँ का जो फैकल्टी है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जेन्युइनली आपको फीडबैक देंगे कि हाँ जी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। सपोज आप काउंसलिंग करना चाहते हो, कुछ अगर दिक्कत हो रहा है, दे विल हेल्प यू। बाकी अगर कुछ डाउट है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक फॉर्म है वो भी फिलअप कर सकते हो, आपको अप्रोच कर लिया जाएगा थ्रू ऑनलाइन।